नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जेएस का मिक्स क्वेश्चन पेपर का टेस्ट लेंगे, जो आपके एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस है। टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जेएस का टेस्ट है और इस टेस्ट में कम से कम आपको 22 प्लस का सही जवाब देना है। टॉप 25 होगा, तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कॉमेंट करके बताना है कि आपका 25 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए, बिना किस टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। अर्थ डे ऑब्जर्व ऑन, यानी कि पृथ्वी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 15 जनवरी, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताना है पृथ्वी दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो देखिएगा, पृथ्वी दिवस जो होता है वो आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है 22 अप्रैल, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो आर्मी डे जो होता है वो आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपसे पूछा है हु डिस्कवर्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका राखालदास बनर्जी, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताना है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का खोज जो किया गया था वो आपका दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किया गया था, तो आपका 1921 में किया गया था, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदारो की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो मोहनजोदारो की खोज जो किया गया था वो आपका राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो आपका 1922 को किया गया था, इसे आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो आपका 563 BC यानी कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, हु आर द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन आपका जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन सी आपका प्रतिभा पाटिल या ऑप्शन डी वीवी गिरी। तो जल्दी से बताना कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिएगा, भारत के तीसरे राष्ट्रपति जो थे वो आपका जाकिर हुसैन थे, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना कि आपका टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जेएस के मिक्स क्वेश्चन पेपर का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, जब पृथ्वी दिन और रात के लगभग बराबर होते हैं, यानी कि आपको बताना है कि वो कौन सा दिन है जब पृथ्वी दिन और रात के लगभग बराबर होते हैं। ऑप्शन आपका 21 मार्च, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी आपका 22 दिसंबर या ऑप्शन डी 4 जनवरी। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है 21 मार्च, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि डल लेक सिचुएटेड ऑन विच स्टेट, यानी कि डल झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका पंजाब है, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से बताना, डल झील किस राज्य में स्थित है। तो देखिएगा, डल झील जो होता है वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड लाइट हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से बताना कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा कलर है जिसका आवृत्ति सबसे कम होता है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी लाल, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि कालिदास अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कालिदास पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन आपका संगीत है, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी प्रदर्शन कला या ऑप्शन डी दर्शन। तो जल्दी से बताना कि कालिदास पुरस्कार का संबंध किससे होता है। तो देखिएगा, कालिदास पुरस्कार का संबंध जो होता है वो आपका प्रदर्शन कला से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी प्रदर्शन कला, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से होता है, तो ग्रैमी पुरस्कार का संबंध जो होता है आपका संगीत के क्षेत्र से होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध जो होता है आपका साहित्य के क्षेत्र से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेरिज गिर फॉरेस्ट लोकेटेड, यानी कि गिर वन कहां स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से बताना कि गिर वन कहां पर स्थित है। ऑप्शन चार आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, गिर वन जो होता है वो आपका गुजरात राज्य में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी गुजरात, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, रोलेक्ट एक्ट वाज पासड बाय विच गवर्नर जनरल, यानी कि रोलेक्ट अधिनियम किस गवर्नर जनरल द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी या ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, रोलेक्ट एक्ट जो होता है वो आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा पारित किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो भारत का पहला वायसराय जो था आपका लॉर्ड कैनिंग था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, विच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो
जल्दी से बताना है दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है। ऑप्शन आपका शुतुरमुर्ग, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी स्विफ्ट या ऑप्शन डी तोता। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है शुतुरमुर्ग, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और सबसे छोटा जो होता है वो आपका हार्मिंग बर्ड होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर दो, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे और पे प्रेस कर लेना है। तो देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का वेग कितना होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से बताने के प्रकाश का वेग कितना होता है। तो देखिएगा प्रकाश का वेग जो होता है वो आपका 3×10^8 होता है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है 3×10^8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को, और 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, दिशा बताने वाला यंत्र का नाम क्या है। आपको बताना कि जो यंत्र दिशा बताता है उस यंत्र का नाम क्या होता है। ऑप्शन आपका सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी कंपास, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर या ऑप्शन डी डायरेक्शन मीटर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी कंपास, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन होता है, तो भूकंप की तीव्रता का माप करने वाला यंत्र जो होता है वो आपका सिस्मोग्राफ होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और दूध की शुद्धता का जांच करने वाला यंत्र जो होता है आपका लैक्टोमीटर होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को, 13 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ ओजोन गैस, यानी कि ओजोन गैस का रंग क्या होता है। आपको बताना कि ओजोन गैस का कलर कैसा होता है। ऑप्शन आपका पीला रंग, ऑप्शन बी नारंगी रंग, ऑप्शन सी नीला रंग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा ओजोन गैस का रंग जो होता है वो आपका नीला रंग का होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को, 14 नंबर क्वेश्चन में आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, आपसे पूछा कि ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, यानी कि पित्तल किसका मिश्र धातु है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया, तो जल्दी से बताना कि पित्तल किसका मिश्र धातु होता है। तो देखिएगा पित्तल जो होता है आपका तांबा और जस्ता का होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी कॉपर एंड जिंक, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को, 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किस कार्य से संबंधित है। ऑप्शन आपका घर का निर्माण, ऑप्शन बी सड़क का निर्माण, ऑप्शन सी बांध का निर्माण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो होता है आपका सड़क निर्माण से संबंधित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को, 16 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, यानी कि संवेग के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपका त्वरण, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी बल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताना कि संवेग के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बल, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv². क्या होता है? 1/2 mv² होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को, 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है एब्सोल्यूट टेंपरेचर, यानी कि परम शून्य तापमान कितना होता है। आपको बताना है कि परम शून्य तापमान कितना होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी -273°C, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को, और 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि द पावर ऑफ लेंस इज गिवन इन, यानी कि लेंस की शक्ति किसमें दी गई है। ऑप्शन आपका डायोप्टर, ऑप्शन बी अश्व शक्ति, ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताना है कि लेंस की शक्ति किसमें दी जाती है। तो देखिएगा लेंस की शक्ति जो होता है वो आपका डायोप्टर में दिया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है डायोप्टर, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को, और 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है ईच वन टीच वन प्रोग्राम रिलेटेड टू, यानी कि ईच वन टीच वन किस कार्यक्रम से संबंधित है। ऑप्शन आपका प्रौढ़ शिक्षा, ऑप्शन बी आपका नियमित शिक्षा, ऑप्शन सी आपका अनौपचारिक शिक्षा से या ऑप्शन डी जागृत नागरिक से। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है प्रौढ़ शिक्षा, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को, और 20 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है इन विच ईयर सिग्नेचर शिमला एग्रीमेंट, यानी कि शिमला समझौता में किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी 1972, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 2 जुलाई 1972 में शिमला समझौता के लिए हस्ताक्षर हुआ था, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत और चाइना का युद्ध कब हुआ था, तो भारत और चाइना का युद्ध हुआ था आपका 1962 में। कब हुआ था? 1962 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को, और 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि सारनाथ की लैंड कैपिटल को जिम्मेवार ठहराया गया है। आपको बताना कि सारनाथ की लैंड कैपिटल को जिम्मेवार किसे ठहराया गया है। ऑप्शन आपका कनिष्क, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी अशोक या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी अशोक, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को, और 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया ऑन, यानी कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया, तो इसका राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करके बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को, और 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फलों का अध्ययन किसमें किया जाता है। ऑप्शन आपका पेडोलॉजी, ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी पोमोलॉजी या ऑप्शन डी इनमें से कोई।
कोई नहीं। तो जल्दी से बताना है फलों का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो देखिएगा फलों का अध्ययन जो किया जाता है वो आपका पोमोलॉजी में किया जाता है, किसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और भूमि का अध्ययन जो किया जाता है आपका पीडियोलॉजी में किया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड, यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थित है। ऑप्शन आपका मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी गुजरात। तो जल्दी से बताना कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थित है। तो देखिएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश में कितने कलर होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी 7 यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते एक एक लाइक कर देना है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस करना है, और अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताना है आपका टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जेएस के मिक्स क्वेश्चन पेपर का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है आपको जरूर कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।